एक क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन भाई का ले लोकेशन घूम नीचे कर थोड़ा भाई सर, क्या कहेंगे आज जो घूम नीचे कर बनता जा रहा है बच्चों में, घूम नीचे कर काफी देखिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है अपने कंट्री में, स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, साई बहुत हेल्प कर रही है, अब अपने बच्चों को आगे आना पड़ेगा। अब भाई बच्चे आगे आएंगे तो कंपटीशन कुछ नहीं है, हम लोग और मेडल ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मार्गदर्शन किया आज हमारे लिए बहुत ही जॉयफुल डे था, बहुत खुश हुए हमारे बच्चे और हम सब, बहुत ही सारी एक्साइटमेंट थी स्कूल में। और दीपा जी आए और उनके कोच भी आए और हमारे बच्चों को बहुत सारा इंकरेजमेंट दिया, इंस्पायर किया कि इंडिया के लिए मेडल जीत के आए और आगे बढ़ के उनके जीवन में उनके जो टैलेंट है जो परमेश्वर पिता ने उनके अंदर भरी हुई है, अपने पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स के साथ हमारे देश को प्राउड करे और आगे बढ़ के बहुत सारे मेडल्स जीत के आए। सर आपके यहाँ कैसे बच्चों को मोटिवेट किया जाता है स्पोर्ट्स के लिए विशेष कर कहा जाता है? हमारे स्कूलों में इंडिया में 135 स्कूल्स हैं, ऑलमोस्ट 3 लाख बच्चे हैं और हम गौरव से वेरी प्राउडली हम कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स का जो फोकस है, एम जो है, बहुत ही बड़ा फोकस है, बहुत ही बड़ा एम है और हमारे बच्चे नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जोनल लेवल तो ज़रूर है लेकिन नेशनल और हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे जाके अलग अलग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं और मेडल्स जीत के ला रहे। सर आपके स्कूल में जिमनास्टिक के अलावा और कौन कौन से स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है? आज हमारे दीपा जी के साथ मिलने के लिए हमारे 5 बच्चे 6 बच्चे आए थे जो नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल के लिए अलग अलग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, चाहे डिस्कस थ्रो हो या शॉर्ट पुट, 800 मीटर्स, लॉन्ग जंप, हाई जंप, बैडमिंटन और टेनिस जो खेल रहे हैं कारमन तांडी जो इंटरनेशनल लेवल पे अभी जा रही है, विंबलडन में गई है और यूएस ओपन में गई है और हमारे पास नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर है, 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट सिमरन, वो भी बैडमिंटन खेल रही है और हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि आगे बढ़ के सिमरन की तरह, कारमन तांडी की तरह, अलग अलग बच्चों की तरह, दीपा की तरह ओलंपिक्स में और वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में जाके इंडिया का नाम रोशन करेंगे और मेडल जीत के आएंगे। बाकी स्कूलों से आपकी क्या प्लानिंग है हमारे बच्चे को बैठ कर? हमारी तो प्लानिंग तो जारी है, हमारा फोकस तो कंटिन्यू हो रहा है और हम स्पेशल अटेंशन देते हैं जो बच्चे जो स्पोर्ट्स के लिए जिनका अलग से जो टैलेंट जो है उनको ज़्यादा फोकस दिया जाता है, उनको हम इंस्पायर करते हैं और हमारे पेरेंट्स जो है हम उनको धन्यवाद करते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो बच्चों के पेरेंट्स है उनको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ स्कूल के साथ और हमारे बच्चों का टैलेंट आगे बढ़ के कुछ कर दिखाएंगे। बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज है कि हमारे रायन स्कूल में हमारे जो बच्चों हैं उनको ये स्लोगन हम कहते हैं कि दे आर प्रेशियस चिल्ड्रन ऑफ गॉड, दे आर लव्ड बाय देयर पेरेंट्स एंड आगे बढ़ के दे कैन, दे विल एंड दे मस्ट बी अ विनर। थैंक यू सर। स्टूडेंट है क्या आप लोग? भी स्टूडेंट है क्या? तो अभी तक किस किस लेवल पे आपने खेला है और क्या क्या जीता है? मैं नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो उधर मेरे को 4 गोल्ड मेडल, 1 गोल्ड मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल नेशनल में। क्या आगे बनना चाहती हैं, आगे क्या आप टॉप करना चाहती हैं? ओलंपिक्स का हर मेडल मिला था। ओलंपिक्स चैंपियन दीपा आ जाएगी, क्या करना चाहेंगे आपके जीवन में? कितना महत्व? वो बहुत इंस्पिरेशनल है, हमें उन्होंने बहुत उनके एक्सपीरियंस के बारे में बताया, बहुत शेयर किया, हम बहुत इंस्पायर हुए हैं। आपने उनसे क्या कुछ सीखा? उनसे सीखा कि चाहे जीते ना जीते हम कोशिश करेंगे हमारे कंट्री को प्राउड करने। क्या नाम है आपका? सुमन सिंह जी, आप बताइए किस खेल में आपको अच्छा लगता है मेहनत करना और इतने 1.5 साल मेडल्स जीते हैं तो किस किस लेवल पे आपने जीते हैं? मैं बैडमिंटन खेलती हूँ, मैं 3 टाइम्स नेशनल चैम्पियन हूँ और 2 बार सिलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल और मेरा गोल है 2020 ओलंपिक्स। आपके यहाँ दीपक करमकर जी भी आई हुई थी, काफ़ी बच्चों को उन्होंने मोटिवेट किया, तो क्या आपने उनसे सीखा? वो बहुत जिद्दी है, वो जिद होनी चाहिए कुछ करने के लिए, वो पागलपन होना चाहिए।